हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बिग बॉस सीजन 13 के घर में बीते कुछ दिनों से आसिम रियाज का ध्यान खेल से थोड़ा सा भटका हुआ नजर आ रहा है। जहां शुरुआत से आसिम इस शो में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं इन दिनों उन पर प्यार का बुखार चढ़ गया है। जी हाँ, कुछ दिनों से घर में आसिम खोए खोए से दिखाई दे रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करें तो क्या करें। अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते होंगे तो आप ये बात जानते ही होंगे कि आसिम की रातों की नींद किसी और ने नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर हिमांशी खुराना ने चुराई हुई है। यहाँ तक कि बीते दिनों आसिम ने हिमांशी से खुलकर अपने दिल की बातें तक कह दी थी। हिमांशी और आसिम की बढ़ती नज़दीकियों पर हर किसी की नज़रें हैं और घर के अंदर भी लोग उनके बारे में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में बारस चावड़ा ने शहनाज गिल के साथ बात करते हुए कहा था कि आसिम और हिमांशी की दोस्ती और प्यार सिर्फ घर के अंदर तक ही सीमित है। शहनाज पारस से कहती हैं कि आसिम आजकल बड़ा हिमांशी कर रहा है। इसके बाद पारस साफ साफ शब्दों में कहते हैं, इनकी दोस्ती तो घर के अंदर ही है, घर के बाहर वो यानी कि हिमांशी उसे यानी कि आसिम को पूछने वाली नहीं है। इस पर शहनाज कहती हैं कि वो बात करें या ना करें, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि उसे मेरे से काफ़ी ज़्यादा जलन है। खैर, पारस ने जो टिप्पणी दी है हिमांशी और आसिम के रिलेशन पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।